नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। पेंशन विसंगति को दूर करने के लिए पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री को संबोधित, डीएम को ज्ञापन सौंपा। यूपी के बलिया में पेंशन विसंगति को दूर करने के लिए व विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने पेंशन विसंगति दूर करने को लेकर हुंकार भरी। समिति के जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संबोधित, ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, कलेक्टरेट में ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व उन्होंने नारेबाजी भी की। ज्ञापन में उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के ओआरओपी टेबल की गणना में हुई विसंगतियों को समाप्त करने की मांग की है। अखिलेश्वर सिंह, पूर्व सैनिक एवं सैनिक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष। अखिलेश्वर सिंह रिटायर्ड, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक बलिया। अच्छा, क्या मामला है? आप लोग भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी आप लोग आक्रोशित मन से यहाँ पे आए हैं, क्या मामला है सर? मामला है साहब कि ओआरओपी के अंदर हमारे साथ छल हुआ, हमारे जवानों को या ऑफिसर के अलावा अदर रैंक को ठगा गया है, इनके कंधे पर बंदूक रख के चलाया गया है और ऑफिसरों ने अपना फायदा लिया है। इसलिए हम डीएम साहब को पत्रक दिए हैं माननीय रक्षा मंत्रालय के लिए, रक्षा मंत्री के लिए, इनके द्वारा हमने कर दिया। ये कैसा छलावा किया गया, थोड़ा सा विस्तार में बताएं, किस तरीके का छलावा आपके कंधे पर रख के बंदूक चला गया और वो कौन अफसर है? ये पूरे मतलब इंडियन आर्मी के जो अफसर हैं ओआरओपी के अंदर, एमओडी के अंदर जो लोग थे अफसर से थे, वो जो अपना पे कमीशन हुआ, पे कमीशन के अंदर जो रिटायर पर्सन थे उनका 2.57 से मल्टीप्लाई किया और जो सर्विंग पर्सन थे वो ऑफिसर्स का 2.81 मल्टीप्लाई किया गया और अदर रैंक को 2.57 से मल्टीप्लाई किया। अब ओआरओपी हुआ वन रैंक वन पेंशन, तो जो ऑफिसर उस समय थे सेवा में, वो रिटायर होकर आए हैं, उनके बराबर रिटायर अफसरों की पेंशन तो हो गई, लेकिन जवानों को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था, इसलिए नीचे वालों के रैंकों को कोई भी फायदा इसका नहीं पहुँचा। दूसरी बात है एमएसपी, मिलिट्री सर्विंग पे। अब ये एक ऑफिसर भी मिलिट्री के अंदर सर्विस करता है, एक जवान भी मिलिट्री के अंदर सर्विस करता है, तो पेमेंट पे ठीक है, ऑफिसर है वो ज़्यादा ले रहा है और एक जवान कम ले रहा है, लेकिन ये मिलिट्री सर्विस पे तो ऐसा है कि ये सबको बराबर होनी चाहिए, तो ये इसमें ऑफिसरों का ज़्यादा है, 17,000 समथिंग है और जवानों का 5,000 समथिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अपना डिसबिलिटी अनाउंस, मान लीजिए इंसर्जेंसी के अंदर या लड़ाई के अंदर पैर एक ऑफिसर का कटता है और एक जवान का भी कटता है, तो पैर तो दोनों का कटा है, तो जो इसका अनाउंस मिलना चाहिए, ये दोनों को बराबर मिलना चाहिए, ऑफिसर हो या ओआर हो, सबको बराबर मिलना चाहिए। जी, इन्हीं सब मांगों को लेकर के और हम डीएम साहिबा से मिले हैं। तो कभी आपने अपने संबंधित विभाग में कभी आपने कोई इस मामले को लेकर शिकायत किया, कभी अधिकारी को चिट्ठी लिखा उच्च स्तर अफसरों को? यह भी हुआ, घेरे में रखा गया, कमीशन लागू हुआ, सेवन पे कमीशन लागू हुआ उस समय जो है।